हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे चटपटी। चटपटी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम मटर को 5 से 6 घंटे पहले भिगो के रख लिया था और हमने इसे अच्छे से साफ़ करके 2 से 3 पानी धो लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने यहाँ पे पैन रख लिया है और पैन गर्म हो चुका है और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। आप तेल कोई भी ले सकते हैं, रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। और इसमें मटर डाल के हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मटर हमारा भुन चुका है। तो अब इसको हम होने देंगे ठंडा, और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम फटाफट से चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक मसाले वाली मिर्च ली है, मिर्च की अचार, और 2 हरी मिर्च, यहाँ पे 5-7 कली लहसुन, थोड़ी सी नमक। तो इसको हम सिलवट पे पीस लेते हैं। तो हमने चटनी को पीस लिया है और मटर भी हमारा ठंडा हो चुका है। और इसको अब हम मिक्सिंग बाउल में ले लेते हैं। किचन में हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए हमने सिलेंडर और गैस को बाहर निकाल लिया है। तो अब इसमें हम मिलाएंगे चटनी को और बारीक कटी हुई 2 प्याज, और ये है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और ये है थोड़ी सी नमकीन। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर वाली चटपटे बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे एक बार आप बना के ज़रूर सर्व करिएगा, इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी नींबू का रस और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको प्लेट में निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।